पास। छुचुंदर के सर पे ना भाए चमेली, कहा राजा भोज कहा गंगू तेली। एग्जैक्टली, एक्चुअल में छुचुंदर तो एक मिसाल है, कल्प्रिट तो बन गई एक मक्खी। और इस मक्खी को जब सलमान ने देखा तो उन्होंने उसे मसल के रख दिया, ये जानते हुए भी कि वो मक्खी ऋतिक और बंसाली की पालतू थी। सुना है कि ये सब तो सल्लू और बंसाली की पुरानी रंजिश के चलते हुआ। सल्लू ने बोला कि अरे उसमें तो मक्खी थी, कोई मच्छर भी नहीं जाएगा, कोई कुत्ता भी नहीं। अब ये क्या बात हुई बोलने वाली ए? आपने तो बंसाली की इस फिल्म का तो जनाजा ही निकाल दिया। मगर गड़बड़ ये हुई कि बंसाली और सल्लू को इस कोल्ड वॉर में घुस गए ऋतिक काफी रफ्तार में। ऋतिक मारे गुस्से में भौंकलाए मीडिया की रेल पे सवार होगा सल्लू की रेल बनाने के लिए, मगर वो कुछ ज्यादा ही बोल गए, जिसका रियलाइजेशन उन्हें अगले दिन हुआ। तो उन्होंने फटाफट सॉरी वारी का मैसेज कर दिया, मगर सल्लू को ऋतिक का प्रेस में जाना कुछ रास नहीं आया। कहते हैं कि सल्लू ने भूषण कुमार को अपनी फिल्म रेडी को उस दिन रिलीज करने को बोला जिस दिन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का मचने वाला था रौला। इतना ही नहीं, सल्लू ने तो एक दिन ये भी बोला कि वो ऋतिक से बेटर डांसर है। ये मुंह और मसूर की दाल, कल को आप माइकल जैक्सन को अपना चेला बताओगे तो क्या हम मान लेंगे? सल्लूनिया कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, मगर लॉजिक के साथ मुंह खोलते हैं। सल्लू ने कहा कि वो ऋतिक की तरह सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड डांस स्टेप्स नहीं करते, बल्कि अपने फैंस के लिए नाचते हैं। और स्टेप्स इसलिए होते हैं उनके सिंपल, जिसे हर कोई कॉपी करके डांस कर सके। अब यार आप डांसर भी अच्छे, एक्टर भी अच्छे, और आपकी फिल्मों में मक्खी और मच्छर भी नहीं होते। आजकल आपकी फिल्में करती हैं 10 times पैसा वसूल, और बाकी सब है सल्लू के चरणों की धूल। तो भाई ऋतिक ने भी इनके चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाने की ठानी, और सल्लू से सोशली गले भी मिले। पापा राकेश रोशन से सल्लू के फादर सलीम खान साहब को भी फोन मिलवाया। इनफैक्ट सल्लू जब US जा रहे थे अपनी सर्जरी के लिए, तब भी ऋतिक उनके घर उनसे मिलने गए, और फिर जाकर ये मक्खी मच्छर का सर्कस काबू में आया। सलमान एंड ऋतिक नंबर 10 ऑन बॉलीवुड पैचअप्स।